अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। बुरा मत मानिए सर, देखिए जब इस घर में आप अपनी मर्जी से खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, यहाँ तक कि अपनी मर्जी के कपड़े भी नहीं पहन सकते सर जी, आप तो आप अपनी मर्जी से शादी कैसे करेंगे? शर्मा जी, आप मुझे गुस्सा मत दिलाइए। हाँ गुस्सा आ भी गया तो बड़े सर का क्या उखाड़ लेंगे आप, घर छोड़ के भाग जाएंगे? कैसी बात करते हैं शर्मा जी आप। कुछ नहीं किया होगा और अगर किया भी होता तो हम तुम्हारा क्या बिगाड़ लेते, आखिर हम है ही कौन? हम सब जानते हैं तुम सब लोग मिलकर हमारा मजाक उड़ाते रहते हो। मैं भी हूँ तुम्हारा बच्चा, मैं भी हूँ तुम्हारा बच्चा, प्यारा प्यारा, अच्छा अच्छा, तुमने कहा मेरी जान फसाई, हरी 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 हरी। आज हम आपकी मुलाकात एक बहुत भोले भाले, प्यारे प्यारे, दिल को लुभाने वाले कलाकार से करवा रहे हैं, मिलिए राकेश बेदी से। नमस्ते। नमस्ते, दर्शकों को करो नमस्ते। अच्छा ये बताइए कि आप कॉमेडियन बने कैसे? तबस्सुम जी, क्या है कि हर एक्टर का अपना एक प्लस पॉइंट होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ एक्टर ऐसे होते हैं जो कि रोमांटिक सीन ज़्यादा अच्छे करते हैं, कुछ एक्शन सीक्वेंसेस ज़्यादा अच्छे कर लेते हैं, और कुछ जिसे कहते हैं कि फाइट वगैरह ज़्यादा अच्छे कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बाकी काम ठीक से नहीं कर पाते, लेकिन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर वो ज़्यादा स्कोर करते हैं इन कंपैरिजन टू द अदर थिंग्स। तो इसलिए जब मैंने थिएटर वगैरह पे काम करना शुरू किया और भी जगह जब काम करना शुरू किया, थिएटर के लिए कोई तकलीफ तो नहीं हुई उसमें एंट्री होने के लिए? नहीं, कोई खास नहीं। तो जब मैंने काम करना शुरू किया तो जब मैं कॉमेडी करता था तो अच्छा उसका फीडबैक और रिस्पॉन्स मिला मेरे को, तो मैं धीरे धीरे उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया और डेवलप किया उसको। अच्छा, तो ये तो मेरे सवाल का जवाब नंबर एक हुआ, इसी सवाल का जवाब नंबर दो दीजिए। कौन सा? भाई मैंने ये पूछा था कि आप कॉमेडियन कैसे बने, इसका मतलब ये था कि आप फिल्मों में कैसे आए। अच्छा अच्छा, मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हूँ का मतलब? मतलब दिल्ली वाला हूँ। हाँ, दिल्ली को बिलोंग करता हूँ। तो इस वजह से क्या है कि हमारी फैमिली का कोई ऐसा कनेक्शन या कोई रिश्तेदार या कोई रिलेटिव ऐसा बॉम्बे फिल्म लाइन में नहीं था जो कि मैं सीधा यहाँ आता और मुझे वो ब्रेक दे देता और मैं एक्टर बन जाता। तो मुझे यहाँ आने के लिए प्रॉपर चैनल का ढूंढना बड़ा ज़रूरी था। तो मुझे दो रास्ते ऐसे दिखाई दिए जिनको कि अगर मैं इख्तियार करता तो मैं यहाँ आ सकता था। वो थे, एक तो था थिएटर जो कि मैंने खूब ज़ोर शोर से किया और काफी मेहनत की उसमें, दिल्ली से बंबई आने के बाद भी, बाद भी और पहले भी। अच्छा, और दूसरा था मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट में, पुणे में जो फिल्म इंस्टीट्यूट है उसमें मैंने अप्लाई किया और वहाँ मुझे एडमिशन मिल गई और दो साल का मैंने एक्टिंग का कोर्स किया वहाँ से। अच्छा, पुणे इंस्टीट्यूट में एक्टिंग का दो साल का जो कोर्स आपने किया उसमें जाहिर है कि कुछ खास बातें बहुत आपको नजर आई होंगी। मैं चाहती हूँ कि दो साल के खास कोर्स की दो खास बातें दो मिनट में बता दें आप। बातें तो बहुत सारी हैं, आपका मतलब कि गागर में सागर को बंद कर दें। अच्छा देखिए, सबसे पहली बात यह है कि द ब्रेकिंग ऑफ द प्री नोशंस, यानी कि ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है कि एक्टर वहाँ पहुँचता है और उसको लगता है कि यार ये तो महज एक रास्ता है मेरा फिल्म लाइन में पहुँचने के लिए। हाँ। वरना एक्टर तो मैं हूँ ही और एक्टिंग मुझे आती है, ये मुझे क्या एक्टिंग सिखाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ जाकर आपको पता चलता है कि जो आपने सीखा है अब तक, जो आपको आता है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मेथड है, टेक्निक है जो कि सीखनी बहुत ज़रूरी है। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। और दूसरी बात यह है कि एक्टिंग के साथ साथ वहाँ पर डायरेक्शन, फोटोग्राफी, साउंड एडिटिंग, स्क्रीन प्ले राइटिंग, ये सब कोर्सेज भी होते हैं। तो इन सब कोर्सेज की एक ओरिएंटेशन हो जाती है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल सिनेमा का एक्सपोजर होता है जी। आपको और यानी उनकी जो फिल्में हैं उनकी टेक्निक, उनकी एक्टिंग, डायरेक्शन वगैरह एनालाइज करने का मौका मिलता है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि एक्टर की झिझक निकल जाती है ऐसा कोर्स कर लेने से, यानी कि शर्म नहीं रहती। और आपने सुना ही होगा, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। दोस्त वो लड़की अच्छी नहीं है, बहुतों को उल्लू बना चुकी है, मुझे भी।
हर एक के साथ वही नाजो नखरे, वही अदाएं, मीठी मीठी बातें, कसमें वादे। बड़ी चंद चीज है। क्या शेर सुनाया था कमबख्त ने, या रहे इसमें अपने घर की तरह, या मेरे दिल में आप घर ना करें। अरे मुझे क्या पड़ी है, तुम भी उल्लू बनो, दोस्तों पर तुम्हें यकीन नहीं, तुम्हारा भला चाहते हैं, मैं उसके घर होकर आया हूँ। तो दोस्तों ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी, आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब।